वेलकम टू माई 8th ब्लॉग, बिकॉज 7th ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने उसको ऐसे शूट किया है, सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे लगा मैं पहले मिनी ब्लॉग शूट करूँगा, उसके बाद आगे का ब्लॉग ठीक शूट करूँगा, बट फिर हो गया। सो आज कहीं जाना है और आज रिपब्लिक डे है, सो हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। एंड आज कहाँ जाना है छोटे, बताओ? चंद्रे ये कहाँ है? ये साथ से भंवरसेन के आगे है। भंवरसेन मतलब सोन नदी के आगे है, वहाँ थोड़ा शायद व्यू अच्छा है। सो चलते हैं घूमने, देखते हैं कैसा होगा। सो मिलते हैं। मना कह दी है मैं तो कहन मना कह दी पहले। सो उस पेट्रोल पंप का नक्षत्र खराब था और इस पेट्रोल पंप का क्षेत्रफल खराब है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि क्या ही बताओ, बट फ्यूल तो डाला नहीं था। पेट्रोल पंप में भंडारा है, बताओ ना, फ्री का ना है, बस तेल ही नहीं है। और आधे घंटे बाद हमारा नंबर आया बहुत मुश्किल से। इस ट्रैक्टर को भगाओ, इतना दूर क्यों उड़ाता है। This is the तालाब guys, यहाँ लोग आते हैं और बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बट कुछ और भी करते हैं। गाइस ये रानी लक्ष्मीबाई का किला है, यहाँ पे वो आती थी। मुझे नहीं पता बोलने में क्या चाहते हैं, ब्लॉगर लोग ऐसे ही तो होते हैं, कुछ भी बोल देते। मैं भी वही हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे एक डायन का साया था और पीछे साड़ी। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यहाँ वो कोने में आके नहाया करते थे, और अब जब बड़े हो गए तो घर पे मुश्किल से नहाते। तो ये है गाइस गोल्डन नदी, मतलब सोन नदी। अपन आ गए हैं सोन नदी के पास। 14 तारीख को यहाँ मेला लगा था और काफ़ी भीड़ थी। मैं नहीं आया था बट एक्सपीरियंस है मुझे, मैं पहले छोटा था तब बहुत आया करता था। मेरे ख्याल से साइड में मेला लगता था उधर, और इधर लोग नहाने आते थे बिना साबुन के। साबुन भी लेके आते होंगे, आई डोंट नो। गहरा काफ़ी है, बस मेरा फ़ोन नीचे ना गिरे वरना मैं ढूंढ भी नहीं पाऊँगा। ओ देखो अंकल को क्या कर रहे, कोने में बैठे, आई डोंट नो। अरे यहाँ पे बालू ही बालू है पूरा, शायद यहीं से बालू चोरी होता होगा, आई डोंट नो। और ये हमारे सस्ते व्लॉगर हैं, ठीक है, अभी अभी स्टार्ट किया है, अच्छा करेगा। सो दिस इज द व्यू। और अब थोड़ा और आगे जाने का प्लान है, शायद थोड़ा और अच्छा व्यू है आगे कुछ है, जो मैं 14 तारीख को आ रहा था घूमने के लिए, बट सभी को पता है बाइक में प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण फिर लोचा हो गया, नहीं आ पाए थे। बट अभी देखते हैं, जाएंगे घूमने। अभी अपनी धनो बन चुकी है, पैसे लगा के है साइड पे। So, ये है चंद्रे, यही है ना? ये है मंदिर, ऐसा लग रहा है साउथ इंडिया आ गए हो। बड़ी वाली वो चेक करें, पुरानी सभ्यता वाला सिस्टम है। अनुज आओ अंदर साइड चलते हैं। एकदम देखते हैं। हाँ जूता क्या तुम शेरवानी पहन के आ सकते हो? कलाकारी देख रहे हो गाइस, पता नहीं पापा कौन है मम्मी कौन है, पर बच्चा ये है बीच वाला। इधर भी सेम, चलो मेरा बायां कदम। वुमेन सब पता चल रहा है, पर कोना दिखा रहे हो
और यहाँ चल रहा है बच्चों का फोटोशूट। एक्चुअली में यहाँ है क्या मेन खास, कुछ पता, कोई आइडिया बताओ? अच्छी जगह बोल के पत्थर दिखा दी। यहाँ पे कौन है, कोई है तो नहीं कोने में? मैं देख रहा हूँ कोने में कोई है तो नहीं? कोई भी नहीं। चलो ए, सब मत चेक करो यार, किसी मतलब तो दिखा दिया आधा अधूरा मंदिर। निकलते हैं बाहर और जाए कहाँ, मेले का टाइम। खड़े कौन राजा लोग यहाँ पे खड़े होते थे देखने के लिए। सब सेल्फी फोटो। हे भगवान, ये दुनिया पागल हो गई क्या? कोई तो रामायण गाओ। अरे लिखा क्या है पता नहीं, कोड वर्ड है आई थिंक। रामायण में कौन थे? बस यही घूमने आए थे अपन। देख रहे हो कितने सारे लोग हैं। मेरे को तो बहुत अजीब लगता है इनके सामने वीडियो बनाने में एक्चुअली में। ऊपर से सब ऐसे घूर घूर के देखते हैं कि अजीब लगेगा ही, तो बस जब कोई नहीं देखता तब व्लॉगिंग कर लेता हूँ, जब सब देखने लगते हैं तो फोन जेब पे चला जाता है। बस सपोर्ट चाहिए ताकि और मोटिवेट हो जाऊँ मैं। सो ये इसका एंटर एंड एग्जिट दोनों ही, और पीछे मंदिर जो कि देख ही चुके हो सबके साथ। उतना भीड़ ना है, हर जगह ऑलरेडी मेले का टाइम है तो थोड़ा बहुत तो रहता है, बाकी सब ओके। गाइस समझ रहे हो ये क्या है? देख रहे हो ना, कैक्टस। क्योंकि अपन आ गए राजस्थान में, ठीक है? ऐसा वैसा ब्लॉगर मत समझो, मैं कभी राजस्थान तो कभी कहीं भी घूमता रहता हूँ, ठीक है? सस्ता मत समझना। भाई साहब आप झुके क्यों हो? अच्छा छोटे भैया, ये क्या कर रहे हो आप? ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, किसके इसका काटा इसी पे चुभा रहा हूँ पत्ते पे, कितना मोटा पत्ता होता है, बट ये चद्दर जैसे मोटा है यार। ओह तो एक काम करो ना, सारे के सारे तोड़ के ले चलो, उड़ने काम आएगा। फिर रात में मत पूछना कि घुस के आ गया। अरे जो भी हो, घूम लिया जहाँ भी घूमना था। पहले सोचा कि मंदिर अच्छा होगा, बट उतना खास नहीं था जितना मतलब देखा या सुना था। नॉर्मल एक लंबी सी साउथ इंडियन वाली मंदिर थी, और काफी लोग फोटोशूट और छोटा सा मेला, बस खत्म। उससे अच्छा तो ये है सो नदी। सो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देन टाटा बाय।